हेलो फ्रेंड, नमस्कार, शुभ संध्या सभी को। जैसा कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि पैसे से संबंधित टोन का पता हम लोग कैसे लगाएंगे, किस तरह से हम समझेंगे कि दिया गया पैसे का टोन क्या है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि टोन होता क्या है। फ्रेंड, जो टोन जो होता है वो दरअसल एक मिनट जो टोन होता है दरअसल वो हम इसे कह सकते हैं, विचार कह सकते हैं। विचार कई तरह के हो सकते हैं, कई तरह के जिसे हम लोग कहते हैं विषय वस्तु। विषय वस्तु टोन के हिसाब से चेंज होता है। टोन मतलब विचार, टोन का मतलब व्यू पॉइंट, टोन का मतलब क्या सोच रख करके कोई भी चीज को लिखा गया है। देखिए, टोन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ये दो चीज को लेकर के हम लोग सबसे ज्यादा जानते हैं। हम लोग शब्दों को पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग टोन के बारे में पता लगाते हैं कि दिया गया शब्द उसका टोन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है या न्यूट्रल है। ये तीन तरह के टोन का हम लोग पता लगाते हैं और इसी टोन का हम लोग जानकारी प्राप्त करके हम लोग दिए गए पैसेज है, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो, चाहे वो हम लोगों का पैसे से संबंधित प्रश्न क्यों वो ना हो, यही दो तीन चीजों को लेकर के, विशेषकर ये दो टोन को लेकर के हम लोग चलते हैं। लेकिन सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव टोन को लेकर के हम लोग दिए गए पैसे में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रश्न इस तरह से नहीं बनते हैं कि द टोन ऑफ द पैसेज इज, अब ऑप्शंस में आपको मिल रहा है पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, पॉजिटिव, नेगेटिव, नन ऑफ दीज, ऐसा प्रश्न रहता नहीं है। इस कारण से थोड़ा सा विस्तार से समझना होगा टोन के बारे में, ठीक है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने पैसेज जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उसके टोन को समझने के लिए एक छोटा सा नोट सा आप लोगों के लिए तैयार किया है। हालांकि मैं इस पर और भी विस्तार से आप लोगों को देने का पूरा प्रयास करूंगा। मुझे लगता है कि दो क्लासेस से हार्ड तीन क्लास भी लग सकता, नहीं तो दो क्लास में मैं इसे पूरी तरह से स्पष्ट कर दूंगा। आप लोगों को किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं आने वाली है यदि टोन पैसेज का पूछा जाता है तो। हम लोग हालांकि कुछ ऐसे भी टोन्स के बारे में आज के इस जो है ना लेक्चर में हम लोग जानेंगे जो जनरली पूछा नहीं जाता है, लेकिन हाँ जानकारी जरूरी है ना। जितना ज्यादा हम लोगों के पास ज्ञान होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा किसी भी पैसेज को समझने में, और यदि पैसेज का टोन समझ में आ गया तो फिर दिए गए प्रश्नों को हम लोग आसानी से पकड़ सकते हैं और सटीकता से सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। देखिए, टोन यहाँ पर मैंने फॉर्मल बताया है, फॉर्मल टोन हो सकता है, दिया गया पैसेज का इनफॉर्मल हो सकता है, लेकिन इसी में ही कई तरह के जो है ना स्वभाव छिपे होते हैं। इनफॉर्मल टोन में बहुत अलग अलग तरह के टोन होते हैं। यदि हम लोग रफली बात करें तो दिए गए पैसेज या कोई भी अभिव्यक्ति हो, कोई भी विचार हो, उसके केवल और केवल दो ही टोन होते हैं, एक फॉर्मल टोन और दूसरा इनफॉर्मल टोन होता है, अर्थात औपचारिक, औपचारिक व्यू पॉइंट वाला है ना विचार वाला, और एक अनौपचारिक विचार वाला। औपचारिक विचार में वाले टोन में बहुत अलग अलग तरह के टोन्स आ जाते हैं जो एग्जाम्स में जनरली पूछे जाते हैं, और इनफॉर्मल टोन वाला पैसेज जनरली एग्जाम्स में पूछा नहीं जाता है। इसमें बस क्या है ना, नोवेल का कोई अगर एक अंश दे दिया गया है जिसमें कि दो व्यक्ति के बीच में वार्तालाप चल रहा है और उसमें अनौपचारिक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, तब उस तरह का पैसेज को हम लोग अनौपचारिक पैसेज या अनौपचारिक टोन वाला पैसेज हम लोग कहते हैं। हम लोग विशेषकर बात करेंगे फॉर्मल टोन में कौन कौन से पैसेजेस आ जाते हैं, उसमें किस किस तरह के रूप हम लोगों को देखने के लिए मिलता है।
फिर भी क्या है कि थोड़ा और जानकारी हम लोग प्राप्त कर ले। सबसे पहले हम लोग फॉर्मल और इनफॉर्मल जो मैंने यहाँ पर लिखा है, इसे हम लोग आसानी से समझने का पूरा प्रयास करते हैं। देखिएगा, ध्यान जरूर दीजिएगा, और अब से ये क्लास के बाद आप जब भी कोई भी पैसेज को पढ़िए तो आप जरूर उसे उसे एनालाइज करिएगा कि हमने जो पैसेज पढ़ा है उसका टोन क्या है, ठीक है? तभी आप उसमें दक्षता प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा क्लास करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है? फॉर्मल में डेफिनेशन डेफिनेशन क्या, हम लोग सभी इस चीज को जानते हैं कि औपचारिकता किसको कहते हैं, औपचारिक चीजें क्या होती है, औपचारिक बातें क्या होती है। दरअसल फॉर्मल वैसे को कहते हैं, या फॉर्मल पैसेज, या फॉर्मल एक्सप्रेशन, या फॉर्मल टोन, हम लोग ऐसे टोन को कहते हैं जिसमें 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 जो उद्देश्य लिया जाता है वह उद्देश्य शैक्षणिक होना चाहिए, ठीक है? एकेडमिक को होना चाहिए, शिक्षा पर आधारित होना चाहिए। जितने भी हम लोग पुस्तकें पढ़ते हैं, अभी जो हम लोग क्लास कर रहे हैं, यह फॉर्मल है, इनफॉर्मल इसे कदापि नहीं कह सकते हैं। समझ में आया? जो एकेडमिक एरिया से रिलेटेड है वह फॉर्मल वह टोन वाले होंगे, प्रोफेशनल होगा और ऑफिशियल राइटिंग होगा, स्ट्रक्चर्ड, काफी अच्छी तरह से वो सुसज्जित होगा, कोऑर्डिनेटेड होगा, है ना? और ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव देखिए, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के बारे में आपको समझने की आवश्यकता है। सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टोन कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि बताइए कि ये जो पैसेज है वह सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है ना? इसके बारे में भी हम लोगों को जानकारी लेना चाहिए। हम लोग देखिएगा कि पैसे, कोई भी पैसेज को, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर बात किया फॉर्मल और इनफॉर्मल की, उसी तरह से हम लोग कोई भी पैसेज को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ये दो तरह के प्रकार को आधार मान करके हम लोग इन्हीं दो काइंड्स में अलग अलग तरह के टोन्स को रख सकते हैं, ठीक है? रफली, यहां पर भी रफली हम लोग बात किए हुए थे कि कितने तरह के टोन हो सकते हैं, रफली ओवरऑल तो दो तरह के। और दूसरे तरीके से कह सकते हैं, थोड़ा सा एकेडमी पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम लोग बात करेंगे तो फिर हम लोग कहेंगे कि पैसेज के टोन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपका हिंदी, आपके हिंदी में इस तरह के प्रश्न तो जनरली मैंने देखा नहीं है, लेकिन अगर पूछा जाता है तो अच्छी बात है, ओके? तब आप समझ पाएंगे। देखिए, सब्जेक्टिव जो होता है वह दरअसल खुद के विचार से प्रेरित होता है, खुद के भावनाओं से प्रेरित होता है, खुद के विचार होते हैं, खुद की आत्मा का वह व्यू पॉइंट होता है, खुद के अंतर मन का वो व्यू पॉइंट होता है। देखिए, इतने सारे जो एक्सप्रेशंस के माध्यम से मैंने आपको बताया, तो ये जितनी भी तरह के जो इस तरह की चीजें निकल करके आती है वे सारे सब्जेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है? जैसे अगर हिंदी साहित्य की बात किया जाए तो महादेवी वर्मा जो छायावादी कवित्री थी, वो जितनी भी कविताएं लिखी, मैंने एक ही एग्जाम्पल यहाँ पर लिया, जितनी भी कविताएं लिखी वो अपने पति, है ना, अपने पति दिवंगत पति के कहा जाए तो उनकी याद में, है ना, उन्होंने लिखा कविताओं को, उन्हें याद किया अपनी कविताओं के माध्यम से, वह उनकी निजी अभिव्यक्ति थी। जो भी निजी अभिव्यक्ति से प्रेरित होता है, चाहे वो कविता हो चाहे वह कोई अनुच्छेद हो, वे सारे आपके सब्जेक्टिव ही कहलाते हैं। इसे हम लोग दूसरे शब्द में पर्सनल भी कह सकते हैं, व्यक्तिगत। समझ में आया? व्यक्तिगत सब्जेक्टिव को हम लोग क्या कहेंगे, व्यक्तिगत कह सकते हैं, ठीक है? और ये बायस्ड हो सकता है सब्जेक्टिव जो है ना, क्योंकि पर्सनल ओपिनियन कोई जरूरी नहीं है कि वह आम राय हो, एक कॉमन व्यू पॉइंट हो, सवाल ही नहीं पैदा होता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है? तो सब्जेक्टिव जो होता है वह बायस्ड भी हो सकता है। ध्यान दीजिए, बायस्ड कहने का मतलब पक्षपात पूर्ण हो सकता है, पक्षपाती हो सकता है, प्रिजुडिस्ड हो सकता है, बायस्ड हो सकता है। स्पष्ट हुआ?
और जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें किसी भी तरह के पर्सनल व्यू पॉइंट को तरजीह अर्थात महत्व तो नहीं दिया जाता है। जो दिखता है वही वह अभिव्यक्त करता है। ऑब्जेक्टिव राय ऐसे राय को कहते हैं जिसमें इस नोशन पर बिलीव किया जाता है, इस नोशन पर अर्थात इस विचार पर, इस उक्ति पर, इसमें बात किया जाता है कि यह मेरा निजी राय न रह करके जो आम राय है वही इसमें अभिव्यक्त किया गया है, वही इसमें लिखा गया है, ठीक है। और जो ऑब्जेक्टिव लेख होते हैं वे कई तरह के डेटा अर्थात आंकड़ों का प्रयोग करके इसमें इसमें विचारों को रखा जाता है। विचार रखे जाते हैं तो फिर वो सब्जेक्टिव हो जाएगा, मतलब जो जैसा है वैसा ही प्रस्तुत कर देना ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें पर्सनल राय नहीं होता है। ओके, इसमें कौन सा नोशन का विचार किया जाता है और उसी विचार को रख करके ऑब्जेक्टिव लेख को लिखा जाता है। सीइंग इज बिलीविंग, ध्यान रखिए, सीइंग इज बिलीविंग कहने का मतलब होता है जो दिखता है उसी पर ही विचार करना है ना। कोई काल्पनिक चीजों को लेकर के इसमें बात ही नहीं होती है। जैसे हम लोग पूरी तरह से कह सकते हैं कि जो फिलोसॉफिकल जो टोन होता है वह दरअसल पूरी तरह से सब्जेक्टिव ही होता है। जैसे भगवान के प्रति फिलोसफी में क्या है, भगवान है, धर्म है, समुदाय है, जाति है, संप्रदाय है, इसी तरह की बातें उसमें की जाती है। और उसमें भगवान के बारे में, गॉड के बारे में जो भी बातें की जाती है वे अलग अलग तरीके से अलग अलग फिलोसफर्स ने कहा, तो उनकी निजी राय थी रहती है उसमें, इसलिए वो ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है। भगवान खुद ही ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो क्या है कि एक फील करने वाली चीज है, और फीलिंग जो होती है वह अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से फील कर सकता है। कोई कह सकता है कि मुझे भगवान ईश्वर के प्रति, ईश्वर से साक्षात्कार हुआ, ईश्वर इस तरह से दिखते हैं, और कोई कहे दूसरे तरह से कह सकता है। कोई कह सकता है कि मैंने ईश्वर से साक्षात्कार किया और उनके दो सींग निकले हुए थे, ठीक है। तो ये इस कारण से जब भी फिलॉसफी की बात होती है, रिलीजन की बात होती है, तो वह दरअसल सब्जेक्टिव इन नेचर होता है। ऑब्जेक्टिव जो होता है वह कोई थीसिस होता है, कोई भी अगर विज्ञान से संबंधित तो बातें लिखी हुई है, विज्ञान में क्या है, सीइंग इज बिलीविंग पर वह पूरी तरह से आधारित होता है, आधारित होता है उसी से ना। इसमें तो फिलॉसफी को जगह नहीं दिया जाता है, ठीक है। इस कारण से साइंस के जितने भी जो लेख होते हैं, फिक्शंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिक्शंस, ओके, जितनी भी बातें, जितने भी लेख होते हैं वे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। लेख लिखे जाते हैं लेकिन कोई व्यक्ति जो इजाद करता, कोई नई थ्योरी को लिखता है, अब अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने एक नई तरीके से सोच को रखा लोगों के समक्ष में, है ना, उन्होंने अपना विचार दिया, तो अल्बर्ट आइंस्टीन के भी कुछ कुछ विशेष मुद्दों को लेकर के अभी भी बहुत सारे वैज्ञानिकों में दो दो तीन राय बनी हुई है। तो इस कारण से उनका जो सोच है विज्ञान के प्रति या कोई भी विशेष चीज के प्रति, वो उनका सब्जेक्टिव अप्रोच हो सकता है कोई भी चीज को देखने के प्रति, ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं। ओके, ऑब्जेक्टिव हम लोग बन जाएंगे आइंस्टीन के चीजों को लेकर, क्योंकि हम लोग उस तरह के विचार नहीं रखते हैं, ठीक है, उस तरह का गहन अध्ययन नहीं करते। हम लोग ऐसे भी लिखते हैं तो इधर उधर से कहीं से छांट छूट करके, ओ या कोई जो विचार रहा पढ़ने के बाद तो उसी को ही हम लोग लिख डालते हैं। तो दैट इज समथिंग ऑब्जेक्टिव, नॉट सब्जेक्टिव। आशा करते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के बीच में जो अंतर है वह अब पूरी तरह से स्पष्ट हो गया। एक उदाहरण लेकर के हम लोग सब्जेक्टिव को लेकर के चलेंगे ताकि थोड़ा सा और भी स्पष्टीकरण यहां पर हो।
वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं कविता के बारे में, एक कविता को ले ले, यदि आप लोगों में से कोई अगर अंग्रेजी साहित्य के एस्पिरेंट हो तो जरूर आप इस चीज को जान सकते हैं कि वो रोमांटिक एज से बिलोंग करने वाले होते हैं, और जो छायावादी कवि है हिंदी में, वे सारे के सारे सब्जेक्टिव कवि ही थे, सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट को लेकर के चलने वाले कवि थे। वो कहते हैं, वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि पोइट्री इज अ पार इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, है ना। यह क्या है कि अचानक उद्गार है, कविता क्या है, अचानक निकलने वाला है एक अभिव्यक्ति है, जो शांत, जब मन शांत होता है तब तो इस तरह के उद्गार मन में पैदा होता है, और वो लेखनी में, लेखनी के माध्यम से उतर जाता है कागज पर। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव यहाँ पर समझ में आ गया, फॉर्मल और इनफॉर्मल भी आपको समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर उदाहरण के रूप में भी मैंने यहाँ समझाने का प्रयास किया है। फॉर्मल की यदि हम लोग बात करें तो द कमिटी रिव्यूड द प्रपोजल एंड कंक्लूडेड दैट फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज नेसेसरी। कमिटी इस प्रपोजल को, इस प्रस्ताव पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस पर आगे छानबीन करना आवश्यक है। देखिए एकदम शॉर्ट में, एकदम पूरी तरह से टर्स होता है। टर्स कहने का मतलब संक्षिप्त तो होता है, टू द पॉइंट होता है, TERSE, संक्षिप्त तो होता है, वही फॉर्मल होगा। टोन इंडिकेटर कहने का मतलब यह हो गया कि कैसे आपको पता करना है कि पहचान कैसे करेंगे कि दिया गया पैसेज जो है वो फॉर्मल है। ठीक है, जो लैंग्वेज होगा वो काफी पॉलिश्ड होगा, मतलब जो बड़े लोगों के द्वारा बोली जाती है ना, नोबल पीपल के द्वारा बोली जाती है, उस भाषा को हम लोग फॉर्मल भाषा कहते हैं। हम लोग तो कमॉन यार यार इस तरह से हम लोग बातें करते हैं, तो कमॉन यार यार जो लगाया गया कमॉन के बाद यार, तो ये इनफॉर्मल है। तो इस तरह की भाषा का प्रयोग उसमें नहीं किया जाता है फॉर्मल में। इसमें एब्सेंस ऑफ पर्सनल ओपिनियंस होता है, ठीक है, फॉर्मल में, एंड प्रेसाइस वर्डिंग होता है, और जो शब्द जो होते हैं वे प्रेसाइस होते हैं। ओके, इनफॉर्मल में क्या है कि देखिए, हाँ हे डिड यू हियर अबाउट द न्यू मूवी, इट इज सो कूल। टोन इंडिकेटर यूज ऑफ कॉलोक्वियल फ्रेजेस, स्लैंग और रिलैक्स्ड अप्रोच। ठीक है, वो तो दो जो हम लोगों ने पढ़ा, जो चार चार टर्म्स के बारे में हम लोगों ने जाना, वहां पर हम लोगों ने जाना कि पैसेज को हम लोग रफली दो भागों में बांट सकते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल, या हम लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में बांट सकते हैं। उसके बाद ये सब जो चीजें आ रही है, परसुएसिव है, नरेटिव है, क्रिटिकल है, तो यह ये सब सारे चीजें जो है वह उसके विषय वस्तु को ध्यान में रख करके फॉर्मल इनफॉर्मल में बांटना होता है कि दिया गया पैसेज अगर परसुएसिव है तो किस सेंस में है ना, सब्जेक्टिव सेंस में या ऑब्जेक्टिव सेंस में, फॉर्मल सेंस में है या इनफॉर्मल सेंस में, तो वो देखना होगा आपको। ओके, हम लोग जानते हैं परसुएसिव कहते किसे हैं। आप लोग अंग्रेजी में एक शब्द को पढ़े होंगे, परसुएड। परसुएड का मतलब क्या होता है, मनाना। ओके, मनाना मतलब इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, कन्विंस हो सकता है। ठीक है, कन्विंस करना होगा। परसुएसिव मतलब हम कुछ भी कहें, हम जो भी बात कह रहे हैं, कृपया करके आप मेरी बातों से कन्विंस्ड होइए, हम आपको मना रहे हैं कि पृथ्वी पृथ्वी बहुत कष्ट में है, पृथ्वी पर बोझ बढ़ रहा है, जनसंख्या का बोझ हो या प्रदूषण का बोझ हो या ये जो नॉर्थ पोल पर बर्फ का पिघलना हो रहा है जिसके कारण से समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, और इसके कारण से जो कोस्टल एरियाज है, समुद्री किनारा किनारे पर बसे हुए शहर है, वे धीरे धीरे करके समुद्र में डूब जाएंगे। इस कारण से आप लोगों से आग्रह है कि आप मेरे अभियान से जुड़े और पृथ्वी को बचाने बचाने का प्रयास करें।
ठीक है, वो बहुत तरह के दलीलें देते हैं, आंकड़े पेश करेंगे, बहुत तरह की चीजें करेंगे, और उसकी बातों को सुन करके हम लोग कन्विंस्ड हो जाएं, तब इसमें अपील होता है दरअसल। तब ऐसे पैसेज का जो टोन होता है वह टोन परसुएसिव होता है। देखिएगा मैंने यहां पर लिखा, कन्विंसिंग द रीडर टू एडॉप्ट अ व्यू पॉइंट और टेक एक्शन, कि रीडर के व्यू पॉइंट, रीडर जो होते हैं वे कन्विंस करते हैं कि एक विशेष तरह की विचारधारा जो वह कह रहा है, वह रखे हुए विचारधारा उसको आप मान ले, या मैं जैसा कह रहा हूं उस तरह से आप एक्शन ले। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल भी मैंने दे रखा है, इन्वेस्टिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी नाउ विल सेव आवर प्लैनेट फॉर फ्यूचर जनरेशंस, जो मैंने एक एग्जाम्पल बताया, यहाँ पर भी वही एग्जाम्पल मैंने दिया है। टोन इंडिकेटर इसके क्या है, स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस। ऑब्वियसली जब किसी को आप कन्विंस कर रहे हैं तो ओपिनियंस तो आपके स्ट्रांग होना चाहिए, है ना, वीक रहेगा तो आप किसी को कन्विंस्ड नहीं कर सकते हैं। और इसमें इमोशनल अपील्स भी रहता है। आप देखिए किसी को कन्विंस करेंगे, आप किसी से पैसे मांगना चाह रहे हैं, है ना, मना रहे हैं कि आप मुझे 10 लाख रुपए दे दीजिए, यह सोच करके कि आपने मुझे कुछ पैसे दिए ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है कि इसमें इसमें आप अगले से अपील कर रहे हैं, है ना, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे अपने कन्विंसिंग आइडियाज के थ्रू से अगले को कन्विंस कर रहे हैं, है ना। तो ये परसुएसिव होता है। जैसे महात्मा गांधी ने लोगों से अपील किया कि यदि तुम धरती माता को बचाना चाहते हो, भारत माता को बचाना चाहते हो, भारत माता को जंजीरों से, जंजीरों के बेड़ियों से उनको आजाद कराना चाहते हो, तो मेरे साथ हो लो, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम भारत माता के लिए सोचो, भारत माता ही तुम लोगों का पोषण कर रही है, और वो बेड़ियों में जकड़े रहे यह हम लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं है, इसलिए मेरे साथ हो जाओ। तो ये क्या है, कन्विंसिंग है, स्ट्रॉन्ग इसमें बातें की जा रही है। आशा करते हैं कि जब आप पढ़िएगा पैसेज को तो आपको टोन समझ में आएगा, अगर पर्सुएसिव तो पर्सुएसिव, अगर ऑप्शन में रहेगा तो मार दीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नरेटिव की बात करते हैं। नरेटिव का मतलब क्या होता है, हम लोग नरेशन पढ़े हैं ना, नरेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज के बारे में बताया जाना नरेशन कहलाता है। नरेशन हम लोग जनरली कोई कहानी वगैरह के अर्थ में प्रयोग करते हैं, ही हैज नरेटेड ए स्टोरी, उसने एक कहानी कहा है। ठीक है, कहानी जो कहा जाता है वो उसका वो क्या रहता है, कोई भी कहानी कही जाती है, जितनी भी कहानियां अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, जितनी भी कहानियां, पंचतंत्र की कहानियां हो या साधारण कोई मोटू पतलू का कहानी हो, स्पाइडरमैन की कहानी हो, वॉट एवर इट इज, नॉवेल के रूप में, उपन्यास के रूप में, शॉर्ट स्टोरीज के रूप में, दोज आर ऑल नरेटिव इन टोन। ठीक है, उसमें इमेजरी का प्रयोग किया जाता है। इमेजरी किसको कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में अलंकार, फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जाता है ताकि पढ़ने में अच्छा लगे, लोग उस नरेशन को अच्छी तरह से पढ़ें, उसमें इंटरेस्ट दिखाएं, इसलिए अलग अलग तरह के हथकंडों का उसमें प्रयोग किया जाता है। हथकंडों कहने का मतलब टूल्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल दिया गया है क्या, एज द सन सेट ओवर द होराइजन द विलेज ग्लोड विद वार्म गोल्डन लाइट, जैसे ही सूरज अपनी क्षितिज से ऊपर आया, ओके, सेट ओवर द होराइजन, अच्छा, ये शाम की बात कर रहा है, तो पूरा विलेज ग्लोड विथ वार्म, नहीं, सुबह की बात कर रहा है, क्षितिज, तो पूरा गांव ग्राम में थोड़ी वार्म आ जाती है, गर्मी आ जाती है, और गोल्डन लाइट से पूरी तरह से आच्छादित हो जाता है, चमकने लगता है। टोन इंडिकेटर इसका क्या है, रिच इमेजरी, जैसा कि यहाँ पर रिच इमेजरी का प्रयोग किया गया है, इसमें कहानी बताया जाता है,
ठीक है, तो जितनी भी कहानियां हम लोगों ने पढ़ा है वे सब सारे नैरेटिव होते हैं, नैरेटिव इन टोन होते हैं। आशा करते हैं आप उस टोन को पकड़ पाएंगे। अब क्रिटिकल देखिए, क्रिटिकल या एनालिटिकल, ध्यान दीजिए, जनरली हम लोग जो परीक्षा में जो पैसेज देखने देखते हैं वे, सामान्यतः मैं बात कर रहा हूँ, वे क्रिटिकल ही होते हैं, क्रिटिकल या एनालिटिकल। क्रिटिकल को ही एनालिटिकल कहते हैं, एनालिसिस, वो एनालिसिस किया हुआ रहता है ना। एनालिसिस मतलब विश्लेषण, उसके पॉजिटिव पॉइंट को हम लोग देखते हैं, नेगेटिव पॉइंट को देखते हैं। जैसे कि एक एक ऐसे का पॉइंट आप ले सकते हैं, आज का ऐसे क्या था, वो था हम मेडिकल टूरिज्म, ठीक है, मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया। अब मेडिकल टूरिज्म क्या है, लिख लिए, मेडिकल टूरिज्म से संबंधित आंकड़ों को मैंने वर्णन कर दिया। इसके बाद मेडिकल टूरिज्म की चुनौतियां क्या, इसके लाभ क्या है, इसके राह में कितनी सारी चुनौतियां है, ये सब सारे तरह की जो चीजें हैं, ये सब सारे क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द टॉपिक मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया है। समझ में आया, ये एनालिटिकल है क्योंकि हम एनालिसिस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें कि हम लोग आंकड़ों को डाल रहे हैं, हम लोग तथ्यों को डाल रहे हैं, इसके बाद पूरी तरह से हम मूल्यांकन कर रहे हैं उस टॉपिक को लेकर के, तब उस तरह का मूल्यांकन प्रॉस एंड कॉन्स देते हुए, पक्ष विपक्ष की बात कर रहे हैं उसमें, तब उस तरह का जो पैसेज होता है, पैराग्राफ जो हो, पैराग्राफ नहीं पैसेज जो होता है, तो वह क्रिटिकल या एनालिटिकल ही होगा। समझ में आया। एग्जाम्पल में मैंने यहां पर दिया क्या है कि व्हाइल द नॉवेल प्रेजेंट्स अ कंपेलिंग नैरेटिव, इट्स लैक ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट वीकेंस इट्स ओवरऑल इम्पैक्ट। देखिए, नॉवेल तो लिख दिया मैंने, एक नॉवेल लिखा, ठीक है, नॉवेल क्या हो गया, इसका टोन क्या, मैंने ओरिजिनली नॉवेल लिखा तो उसका टोन क्या है, नैरेटिव है। लेकिन मैंने इस नॉवेल को पढ़ लिया, मैंने मान लीजिए कि मेरे नॉवेल को आप लोगों ने पढ़ा, आप उस नॉवेल को पढ़ें और फिर क्या किए कि उसका विश्लेषण किए कि सर ने लिखा है इस उपन्यास को, तो सर ने इस उपन्यास में इस तरह के महत्वपूर्ण मुद्दों को अच्छी तरह से उसे प्रकाश में लाया, और इसमें कुछ मेरे विचार से खामियां भी रही, कुछ इस तरह से लिखा गया रहता, इस तरह से इसमें अभिव्यक्त किए जाते तो अच्छा रहता, है ना। तो ये जो ओपिनियन आप दे रहे हैं उसको एनालाइज जो कर रहे हैं, तो वो जो एनालिसिस है उस नॉवेल का, जो एनालिसिस है वह एनालिटिकल हो गया, क्रिटिकल हो गया। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत यहां पर, देख रहे हैं कि उसमें आप देखिए, साइंस एक टॉपिक आप ले लीजिए, साइंस बून और बेन। अब देखिए यहां पर क्या है, एनालिसिस किया जा रहा है ना कि साइंस अच्छा है या बुरा है, इस पर एनालिसिस किया गया, और फिर लास्ट में आपने कंक्लूजन दे दिया, लेकिन ओवरऑल यह क्या है, क्रिटिकल है या एनालिटिकल है, स्पष्ट हो गया। इसमें टोन इंडिकेटर का क्या है कि बैलेंस्ड आर्गुमेंटेशन होना चाहिए, जो आर्गू करेंगे हम इसके प्रोस एंड कॉन्स, सिर्फ प्रोस लेकर के नहीं चलेंगे, ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह की है, प्रोस सिर्फ नहीं, फेवर में ही नहीं बात करना है, या फेवर में ही सोच व्यू पॉइंट नजर नहीं आना चाहिए, कॉन्स भी नजर आना चाहिए, ओके okay? और ये जो प्रॉस और कॉन्स की जो भी बातें की जा रही हो उसमें एविडेंस होनी चाहिए, उसमें तथ्य होने चाहिए, उसमें आंकड़े होने चाहिए, उसमें प्रूफ होने चाहिए, तभी वो क्रिटिकल या एनालिटिकल होगा। स्पष्ट हो गया। ऑप्टिमिस्टिक पर अब हम लोग बात करते हैं, बहुत सिंपल सा है, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, पेसिमिस्टिक निराशावादी। ऑप्टिमिस्टिक में हमेशा पॉजिटिव बात ही की जाती है, एक जब एक जरा सा भी कॉन्स के बारे में इसमें बात नहीं होती है, ओके। कोयला एक अच्छी चीज है, बस मैं उसके कॉन्स के बारे में नहीं जानता हूं, न लिखना चाहता हूं। पुराने जमाने में लोग कोयले का प्रयोग करते थे, है ना,
प्रयोग करते थे तो कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, कोई हार्म नहीं हुआ। कोयले के प्रयोग से लोग 100 साल तो एवरेज जिया करते थे, नेचुरल डेथ उन लोग मरा करते थे। और अभी गैस हो गया, इंडक्शन हो गया, ओवन का प्रयोग, उसमें खाना पकाया जाता है, तो वो दिक्कत वह शरीर के लिए सही है भी नहीं, लोगों की लॉन्जिविटी घट रही है ना। इसलिए कोयला का प्रयोग करें और आयुवर्धन करें, ठीक है। जस्ट आई हैव सेट एन एग्जाम्पल बिफोर यू, ओके। तो ऑप्टिमिस्टिक यही है ऑप्टिमिज्म, इसमें नेगेटिव बातें नहीं की जाती है। वी कैन ओवरकम दी चैलेंजेस एंड बिल्ड अ बेटर फ्यूचर, है ना। अब क्या है इसमें, हम लोग ये भी बातें कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि यदि इसमें कुछ हैजर्ड्स है, हेल्थ हैजर्ड्स है, मतलब जोखिम है स्वास्थ्य के लिए, तो हम लोग इसको इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, इस तरह के चूल्हे का प्रयोग करेंगे जिसमें जिसमें पल्यूटेंट्स जो इमिट होंगे वे लगभग ना के बराबर होंगे, पूरी तरह से कोयला जल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, देन नो हेल्थ हैजर्ड्स विल टेक प्लेस, ओके। सो यूज टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू यूज कोल इन अ बेटर वे, ऑप्टिमिज्म है। पेसिमिज्म में कुछ नहीं होने वाला है, धरती खत्म होने वाली है, मनुष्य को अब धरती छोड़ देना चाहिए, उन्हें उन्हें चंद्रमा पर शिफ्ट होना चाहिए, मंगल पर उन्हें जीवन की तलाश करना चाहिए, यहाँ पर अब धरती पर अब रहना ठीक नहीं है, अब न तब कोई मिठियोर कोई उल्का पिंड गिर सकता है और धरती तबाह हो सकती है, है ना। नेगेटिव बातें ही किया जा रहा है, पेसिमिज्म यहाँ पर है। नो मैटर हाउ हार्ड वी ट्राई, इट सीम्स लाइक थिंग्स विल नेवर इम्प्रूव, ठीक है। जितना भी हम लोग उसमें देखें कि खोजने की कोशिश करें कि इसमें कहीं पॉजिटिविटी मिल जाए, लेकिन लगता है ऐसे कि इसमें कहीं पर भी पॉजिटिविटी नहीं है, कहीं पर भी कोई इम्प्रूवमेंट, कोई सुधार की गुंजाइश ही नहीं है। एक्सप्रेशंस ऑफ डाउट इसमें देखने के लिए मिलता है, होपलेसनेस देखने के लिए मिलता है, नेगेटिविटी देखने के लिए मिलता है। तो पेसिमिज्म है ना, पेसिमिस्टिक थॉट ये भी एग्जाम्स में पूछता है, ऑप्टिमिस्टिक थॉट है या पेसिमिस्टिक थॉट है, आपने पढ़ा है तो बताइए, ठीक है। ऊपर से ये जो जितने भी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, पर्सुएसिव इम्पॉर्टेंट है, नरेटिव, इधर से जो जो भी आप टोन देख रहे हैं ये सब एग्जाम्स में आते हैं, क्रिटिकल है या एनालिटिकल है, ऑप्टिमिस्टिक है, पेसिमिस्टिक इन टोन है और क्या क्या है, ठीक है। ह्यूमरस, एक देखिए ह्यूमरस का अर्थ आप लोग सभी जानते हैं कि ह्यूमरस होता क्या है, जो हंसी ला दे, जो मनोरंजन की बातें करे, जिसमें किसी भी तरह का कोई टेंशन भरी बातें ना किया जाए, काफी लाइट बातें किया जाए, मन हल्का हो जाए, और उसमें थोड़ा सटायर भी किया जाए, लेकिन काफी लाइट माइंडेडली किया जाए, ठीक है। सटायर कहने का मतलब होता है तंज मारना, तंज भी मारा जाए लेकिन काफी अच्छी तरह से। अब देखिए कवि सम्मेलन में हाल फिलहाल मैंने भाग लिया, वहां पर कवि ने जब कवि सम्मेलन हो रहा था हमारे शहर में, तो एसपी को बुलाया गया, डीएसपी को बुलाया गया और सभी बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाया गया, और कवि जो है अगले पर तंज कर रहा है ना, भ्रष्टाचार को लेकर के, अन्य चीज को लेकर के, लेकिन उस पर भी वे काफी मजे ले रहे हैं, हंस रहे हैं, मजा आ रहा है उनको सुन करके, जबकि उन्हीं पर ही रिमार्क्स किए जा रहे हैं, फिर भी उन लोगों को मजा आ रहा है। देन दैट काइंड ऑफ मटेरियल्स, दैट काइंड ऑफ व्यू पॉइंट है, कम्स अंडर ह्यूमरस टोन। होप यू हैव गॉट इट, ओके। यहां देखिए एग्जाम्पल में, ट्राइंग टू असेंबल द फर्नीचर फेल्ट लाइक सॉल्विंग अ पजल विथ हाफ द पीसेस मिसिंग। देखिए क्या है, अब इसको अच्छी तरह से समझिए। यहां पर एग्जाम्पल में देखिए टोन इसका क्या है, पूरी तरह से सेटायरिकल है ना। अब हमें जो फर्नीचर मिला है उसको हमें असेंबल करना है, मतलब
मतलब क्या है ना कि आ, आ, कि उसके जितने भी पार्ट्स है वो खुले हुए हैं, और उस फर्नीचर को असेंबल करना है, यह एक तरह की पहेली है। यह जान करके भी कि इसके ये जो फर्नीचर जिसे मुझे असेंबल करना है, जोड़ना है एक विशेष तरीके से कोऑर्डिनेटेड वे में, उस फर्नीचर के आधे जो अंग है वे मिसिंग है, कहीं है ही नहीं, फिर भी उसे असेंबल करना है, तो ऑब्वियसली दैट इज जस्ट अ काइंड ऑफ पजल, है ना। तो ये क्या हास्यास्पद बात है। टोन इंडिकेटर क्या है? प्लेफुल लैंग्वेज, एग्जेजरेशन और आयरनी है, मल्टीपल टोन। इसके बाद फिर देखिए ये मल्टीपल टोन्स, अब देखिए जनरली मल्टीपल टोन्स आता नहीं है एग्जाम में, ओके। ये नौवां होना चाहिए था, ये दसवां होना चाहिए। खैर, मल्टीपल टोन्स वाले पैसेज आते नहीं है, इसमें हर तरह के पैसेज का समावेश हम लोग इसमें देखते हैं। क्रिटिकल है, ऑप्टिमिस्टिक है, थोड़ा नेगेटिव भी बातें किया जा रहा है, ह्यूमरस भी है, तो इसे हम लोग साइड में रख सकते हैं। हम लोग एक्सपोजिटरी की बात करते हैं, एक्सपोजिटरी और जो एनालिटिकल जो होता है, कहा जाए टू अ ग्रेट एक्सटेंट सेम होता है, टू अ ग्रेट एक्सटेंट, लेकिन दोनों में अंतर होता है। एक्सपोजिशन इसका नाउन फॉर्म हो गया, एक्सपोजिटरी यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया, एक्सपाउज जो हुआ वह वर्ब हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन करना होता है, कोई भी चीज को आप यदि एक्सप्लेन करते हैं अलग अलग तथ्यों को लेकर के, आंकड़ों को लेकर के, तब उस तरह के पैसेज हमारे एक्सपोजिटरी कहलाते हैं। द पैसेज प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड एक्सपोजिशन अबाउट द डिफरेंसेस इन लैंग्वेज यूज बिटवीन साइंटिस्ट एंड लिटरेरी आर्टिस्ट। यहाँ पर देखिए एक उदाहरण यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिया गया है कि एक वैज्ञानिक है, उसने जो लिखा है ना, उसका व्यू पॉइंट कोई भी विषय वस्तु को लेकर के है, और एक लिटरेरी आर्टिस्ट है जो साहित्य से अपना अपना कनेक्शन रखता है, तो वो उस पॉइंट को, उस बात को अपने तरीके से देखेगा, है ना। लेकिन दोनों के ही बातों को सुन करके फिर एक एक्सप्लेन करना, दोनों ही के ही बातों को एक्सप्लेन करना, करने की बात जब रहती है तब फिर वो एक्सपोजिटरी होता है, और ये पर्सनल नहीं होता है। दोनों के ही बातों को एक्सप्लेन करने की बात इसमें रहती है। रीजनिंग में देखिए क्या है इसका विवेक, इसका किस तरह से इसे समझना है। द ऑब्जेक्टिव इज टू इन्फॉर्म एंड एक्सप्लेन विदाउट पर्सनल बायस और पर्सुएशन। वही मैंने कहा कि इसमें सब्जेक्टिविटी नहीं रहती है, इसमें पर्सनल ओपिनियन नहीं रहता है, बस एक्सप्लेन कर देना रहता है कि हाँ उसने कहा ऐसा, तो बस एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए गीता में कहा श्री कृष्ण ने एक है ना, माया मेताम तरंती ते, या चक्रवत परिवर्तन ते दुखानी च सुखानी च, या चार्वाक ने ऐसा कहा कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, और क्या भस्मभूतस्य शरीरस्य पुनरागमनम कुतः, समथिंग लाइक दैट, तो कुछ इस तरह से उन्होंने लिखा। अब उसी के ही बातों को अपनी भाषा में एक्सप्लेन, व्याख्या प्रस्तुत कर दिए, तब वह एक्सपोजिटरी कहलाएगा। समझ में आया? तो एक्सपोजिशन जहां पर भी आपको इस तरह से दिखाई दे, तो दैट इज सेड टू बी एक्सपोजिटरी। आपको समझना है कि एक्सपोजिशन में क्या होता है, एनालिसिस में क्या होता है, अन्य तरह के टोन में क्या होता है, आप आसानी से पकड़ सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इंटेलेक्चुअल या स्कॉलरली, इसमें तो क्या है, ये इस तरह से आता नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए क्या है इंटेलेक्चुअल और स्कॉलरली, इसमें विद्वता का इसमें टोन आता है, इसमें भारी भरकम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जार्गन्स का प्रयोग किया जाता है, मल्टीफेरियस फैक्ट्स, बहुत सारे सिंटैक्स। जैसे देखिए द पैसेज डिमोन्स्ट्रेट्स अ डीप एकेडमिक अप्रोच टू एनालाइजिंग लैंग्वेज, है ना, लैंग्वेज या कोई भी व्यू पॉइंट को ले ले,
जो साधारण लोगों की समझ के परे हो, ओके, तब वो इंटेलेक्चुअल टोन वाला होता है। अब कबीरदास ने कहा, उनके साखी में, उनके दोहे में हम लोग पाते हैं, एक दोहा है, एक साखी कुछ इस तरह से है कि बरसे कंबल भीगे पानी, कबीरदास की उल्टी बानी। वो कह रहे हैं कि बरसे कंबल, कंबल बरसेगा, भीगे पानी, पानी कभी भीगता है क्या? लेकिन वो इस तरह की बातें करते हैं, उल्टा बातें करते हैं वो। ये सभी के वश की बात नहीं है, इसे समझना। उन्होंने इंटेलेक्चुअली अपनी बात को रखा है, उनकी बात में स्कॉलरलीनेस है। जो स्कॉलर होंगे, जो इंटेलेक्चुअलिटी रखते हैं उस विषय में, वही उनकी बात को समझ सकते हैं, सभी नहीं समझ सकते हैं। तो उनकी बातें फुल ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी होगा, ओके। डिडैक्टिक, जिसे हम लोग कहते हैं उपदेशात्मक। अब पंचतंत्र की कहानियां डिडैक्टिक इन नेचर है, ओके। कोई भी व्यक्ति उपदेश दे रहा है किसी पैसेज पे, अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, मोरालिस्टिक बातें कर रहा है, यह करना चाहिए, वह करना चाहिए, बस करना चाहिए, करना चाहिए, माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहिए, समाज में अच्छी तरह से रहना चाहिए, समथिंग लाइक दैट इज द सेंस, देन दैट इज सेट बी डिडैक्टिक इन टोन, ओके। द पैसेज कुड बी इंटरप्रेटेड एज टीचिंग द रीडर अबाउट द पर्पसफुल डिस्टिंक्शन इन लिंग्विस्टिक एप्लीकेशन, रीजनिंग द इंस्ट्रक्टिव नेचर एंड सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ आइडिया सजेस्ट एंड इंटेंट टू एजुकेट। जस्ट उसका उद्देश्य रहता है शिक्षा देना। तो जो एक शिक्षक जो होते हैं, वे आउट ऑफ द टेक्स्ट पढ़ाते हैं, टेक्स्ट। हालांकि देखिए, मॉरल साइंस जो होता है, वे पूरे के पूरे जो होते हैं वो डिडैक्टिक इन नेचर ही होते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिलोसॉफिकल, फिलोसॉफिकल के बारे में हम लोगों ने काफी विस्तार से बात किया। फिलोसॉफिकल, द पैसेज डेल्व्स इन टू द ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस ऑफ हाउ लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। फिलोसॉफी को यदि हम लोग तोड़े ही अलग अलग भागों में, तो फिलेन होता है, फिलेन, और इसके बाद सोफी, सोफेन होता है। ये दो शब्द से बना हुआ है, दो रूट वर्ड्स है, और कल जो आया हुआ है वो तो सफिक्स हो गया, जो इसे विशेषण बना रहा है, ओके। फिलो मतलब, फिलेन मतलब होता है गुड, अच्छा, और सोफी, सोफेन का मतलब होता है नॉलेज, अच्छे नॉलेज, अच्छा नॉलेज, अच्छा ज्ञान। अच्छा ज्ञान से संबंधित जो भी चीज होते हैं, व्यू पॉइंट होती है, वो फिलोसॉफिकल होगा, और इसमें डीपर सेंस होगा, ओके, जिसमें कि ह्यूमन एक्सपीरियंसेस इसमें देखने के लिए हम लोगों को प्राप्त होगा, अलग अलग ओपिनियन, अपना एक्सपीरियंस, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था। अब भगवान, फिलोसफी में हम लोग भगवान, ईश्वर, धर्म, मजहब, ऐसी सब चीजों के बारे में हम लोग देखते हैं, जिसमें लोग अलग अलग जो प्रिसेप्टर्स होते हैं, अलग अलग जो प्रोफेट्स होते हैं, अलग अलग जो गॉड्स, डेमी गॉड्स जो होते हैं, वे अपनी अपनी ओपिनियंस रखते हैं समाज के समक्ष में, और समाज उसको एनालिसिस करके उसके आइडिया को अपनाते हैं, नहीं तो छोड़ते हैं, दूसरे तरह के आइडिया को अपनाते हैं। इसीलिए मजहब कई सारे हैं, पंथ कई सारे हैं, ठीक है। इसका रीजनिंग क्या है? इट एक्सप्लोर्स एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, इसका फिजिकल वर्ल्ड से, मुंडेन वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है। द मल्टीपल सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, वही है, ह्यूमन एक्सपीरियंस से रिलेटेड इनका टोन होता है। और एक यहाँ एक एक जान लीजिएगा, एक और भी मेरे दिमाग में तुरंत तुरंत आया है, यहाँ पर वर्णन नहीं है ये, एक तो वहां छुड़ गया, 14वां टोन। देखिए, कई तरह के टोन यहाँ पर मैंने बताया है। 14वां टोन आप ले सकते हैं डिस्कर्सिव, डिस्कर्सिव। और उधर हम लोगों ने नरेटिव लिया था ना, एक
नरेटिव को हम लोग डिस्क्रिप्टिव भी कहते हैं। अगर इसको अलग से पढ़ते हैं तो फिर तो एक और भी बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन दोनों एक ही चीज है, नरेटिव और डिस्क्रिप्टिव। डिस्कर्सिव क्या होता है, हमने वीडियो लेक्चर्स में पहले भी बताया था, आप लोग शायद देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, पढ़ना चाहिए, आपके कोर्स में ही आपको मिलेगा वीडियो लेक्चर्स के फोल्डर में, ये नहीं कि आपके आपको बैच में जाना है। डिस्कर्सिव में होता क्या है, डिस्कर्सिव टोन ऐसे टोन को कहते हैं पैसेज के जिसमें जो ऑथर होता है, जो राइटर होता है, वो किसी एक मुद्दे पर टिकता ही नहीं है। डिस्कर्सिव में डिस्क्राइब तो जरूर वो करता है, नरेट तो जरूर करता है कोई भी विशेष चीज को, लेकिन अब डिस्क्राइब करते करते कभी एक पहला पॉइंट पर जंप किया तो फिर तुरंत फिर दूसरे मुद्दे पर वो आ गया, फिर पहले मुद्दे या दूसरे मुद्दे दोनों को पूरी तरह से त्याग करके फिर एक तीसरे मुद्दे पर वो जंप कर गया, और पूरा का पूरा पैसेज पढ़ने से पता ही नहीं चलता है कि पैसेज दरअसल किस विषय वस्तु पर आधारित है। इस पर मैंने एग्जाम्पल भी लिया हुआ था, आप लोग अगर सुने होंगे वीडियो लेक्चर्स मेरे तो, और उसमें मैंने बताया कि एग्जाम्पल लेकर के कि क्या एग्जाम्पल था, मैंने ताजमहल का एक एग्जाम्पल लिया। ताजमहल के बारे में मान लिया जाए कि एक पैसेज इस तरह से लिखा हुआ है, ताजमहल विश्व का आठवां आश्चर्य है या सातवां आश्चर्य, जो भी वॉट एवर, इसे शाहजहां ने बनाया मुमताज महल की याद में, मुमताज महल को वहां पर दफनाया गया। दरअसल वह एक कब्रगाह है, वह एक टूम है, TOMB, वह एक टूम है। जो शाहजहां था वह थोड़ा विलासी किस्म का व्यक्ति था, और उनकी अन्य बीवियां भी थी। अभी यदि ताजमहल की बात किया जाए तो ताजमहल के सतह पर काली काली परत चढ़ गई है, और यह परत जमुना नदी के किनारे बसे हुए कारखानों के कारण से हुआ, जिनके धुआं से आसपास का क्षेत्र एसिडिक हो जाता है, और बारिश होती है तो उस बारिश के कारण से उसकी सफेदी, उसकी चमक धीरे धीरे करके जा रही है। इस मॉन्यूमेंट को, इस स्मारक को बचाए जाने की आवश्यकता है। कई सारे एनजीओ ने प्रयास किए हैं और प्रयास भी किया जा रहा है। सरकार सरकार इसे बचाने के लिए इतना फंड दिया, इतना फंड दिया, फिर करप्शन हो गया, करप्शन में फलाना नेता पर केस दर्ज हुआ, FIR दर्ज किया गया, जिसमें कि उसको सजा 10 साल की मिली। अब देखिए कहाँ से मैंने शुरू किया और कहाँ खत्म हो रहा है। अब आपसे पूछा जाए कि इस पैसेज का टोन क्या है, आप बता सकते हैं क्या, आप बता सकते हैं क्या कि ताजमहल सुंदरता की निशानी, मोहब्बत की निशानी, ऐसा कह सकते हैं क्या, या ताजमहल अपनी खोती हुई सुंदरता, ये भी नहीं कह सकते। तो इस तरह से हम लोगों ने टोन को यहाँ पर समझा, कई सारे टोन्स यहाँ पर आप लोगों को नजर आया। एक टोन मैंने यहाँ पर SSC के एग्जाम में आया हुआ था, इसे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पूरा पढ़ने के बाद आपको बताना होगा कि इस पैसेज का टोन क्या है। देखिए छोटा सा पैसेज है, मैं पढ़ देता हूँ, अगर आप लोग कोई कुछ इसका टोन बता सकते हैं तो जरूर बताने की कोशिश करें। अब यहाँ पर प्रश्न लिखा है मैंने, प्लीज फाइंड आउट द टोन ऑफ द पैसेज, क्या है, पढ़ देता हूँ, आप लोग आधा पढ़ करके नहीं, मैं एक्सप्लेन करना प्रारंभ कर दूंगा।
एज मीडियम ऑफ लिटररी एक्सप्रेशन द कॉमन लैंग्वेज इज इनएडिक्वेट. लाइक द मैन ऑफ लेटर्स द साइंटिस्ट फाइंड्स इट नेसेसरी टू गिव अ प्योरर सेंस टू द वर्ड्स ऑफ द ट्राइब बट द प्यूरिटी ऑफ साइंस साइंटिफिक लैंग्वेज इज नॉट द सेम एज द प्योरिटी ऑफ लिटररी लैंग्वेज. द एम ऑफ द साइंटिस्ट इज टू से ओनली वन थिंग एट अ टाइम एंड टू से इट unambiguously and with the greatest possible clarity. To achieve this, he simplifies and jargonizes. In other words, he uses the vocabulary and syntax of common speech in such a way that each phrase is susceptible to only one interpretation. And when the vocabulary and syntax of a common speech are to be imprecise, for this purpose, he invites a new technical language or jargon especially designed to express the limited meaning with which he is professionally concerned. At its most perfectly pure, scientific language seizes to the matter of words and terms in mathematics. आधा हम लोग पढ़ करके निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इस पैसेज का टोन क्या है. आपको नहीं लगता है कि दो तरह के शब्दों के बीच में, दो तरह के अभिव्यक्तियों के बीच में यहाँ तुलना किया जा रहा है, कंपैरेटिव स्टडी किया जा रहा है. कंपैरेटिव स्टडी को हम लोग कहते क्या है, एनालिसिस. समझ में आया? प्रोस एंड कॉन्स, दो चीजों के बीच में हम लोग यहाँ पर विश्लेषण कर रहे हैं कि साइंटिफिक लैंग्वेज और लिटररी लैंग्वेज, या साइंटिफिक एक्सप्रेशन और एंड लिटररी एक्सप्रेशन के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है. कंपैरेटिव स्टडी है यहाँ पर. तो इससे हम लोग इस इंप्रेशन, यहां तक के इंप्रेशन को ध्यान में रख करके कह सकते हैं कि इस पैसेज का जो टोन है वह एनालिटिकल है या क्रिटिकल है. ठीक है, एनालिटिकल क्रिटिकल एक ही चीज होता है. और एनालिटिकल और क्रिटिकल टोन में हम लोग क्या करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कोई भी चीज का, प्रोस एंड कॉन्स को लेकर के चलते हैं. ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग किसी भी पैसेज का टोन का पता लगाते हैं. किसी भी तरह का कोई डाउट्स हो तो आप जरूर पूछे. विशाल जी पूछ रहे हैं एक्सपोजिटरी टोन है ये? सर एक्सपोजिटरी टोन है. एक्सपोजिटरी में होता क्या है विशाल जी, उसमें एक्सप्लेनेशन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है. एक्सपाउज करते हैं कोई भी चीज को, तो जब ये हो सकता है आपका एक्सपोजिटरी हो सकता है, एक्सप्लेन किया जा रहा है यहाँ पर. तो देख लीजिएगा वहां पर ऑप्शन किस तरह से प्राप्त होता है, क्योंकि एक्सपोजिटरी रहेगा तो फिर वहां एनालिटिकल नहीं रहेगा, क्रिटिकल नहीं रहेगा. क्रिटिकल या एनालिटिकल रहेगा तो एक्सपोजिटरी नहीं रहेगा. ओके रश्मि जी ठीक बोली, एनालिटिकल टोन है. ठीक है, इसलिए मेरे विचार से एक्सपोजिटरी नहीं रहेगा एग्जाम में, एनालिटिकल दे सकता है, क्रिटिकल दे सकता है. ठीक है, यह बताएं कि आपको अब टोन पैसेज का समझ में आया, कैसा रहा क्लास, इसके बारे में भी आपको कुछ बताना है. मैं अपनी अपना जो नॉलेज को जहां तक हो सका मैंने आप लोगों के साथ साझा किया है. आशा करते हैं कि मैं आपको समझाने में सफल रहा हूं. लेकिन फिर से मैं कहूंगा कि जब तक कि अब से अपना विचार नहीं बदलेंगे पढ़ाई करने का, कि कोई भी पैसेज को, चाहे आप न्यूज़पेपर का कोई एडिटोरियल पढ़ रहे हो, चाहे आप एसे लिख रहे हो, चाहे आप इस तरह का पैसे से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, तो आप इस टोन के बारे में भी विचार जरूर करिएगा कि आखिर टोन क्या है, एक बार थोड़ा देखा जाए. ठीक है, नहीं समझ में आवे तो फिर से आप रिकॉर्डिंग को सुन लीजिएगा. ओके, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू.